नमस्कार, मैं कृति धीर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। जनपद बुलंदशहर की स्वाट टीम व नरोरा थाना पुलिस ने लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इन शातिर चोरों ने सर्राफा व्यापारियों के यहां लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आज मुठभेड़ के उपरांत इन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इनके कब्जे से पुलिस ने लूटे गए चांदी के आभूषण, बैग, भारी मात्रा में अवैध असलाह में कारतूस व 2 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी भी बरामद की। बता दें, रात्रि के समय स्वाट टीम एवं थाना नरोरा पुलिस बैलॉन डिवाई मैन हाईवे नवीपुर खेड़िया से आगे बैरियर लगाकर अपराधियों की धरपकड़ व चेकिंग में मामूर थी। उसी समय बैलॉन की तरफ से 3 दोपहिया वाहनों पर तेजी से आते कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जिनको पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो तीनों वाहन चालक पीछे मुड़कर बैलॉन की तरफ भागने लगे, जिनकी पुलिस टीमों द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई कर अभियुक्तों की घेराबंदी की गई। अभियुक्तों द्वारा खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग कर 5 अभियुक्तों को लूटे गए चांदी के आभूषण, बैग, भारी मात्रा में अवैध असलाह में कारतूस, 2 मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी सहित रात्रि में करीब 3:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उपयुक्त तीनों वाहन लूट की घटना में प्रयुक्त किए गए थे। जो लुटेरे हैं मुठभेड़ के बाद पकड़ गए, सर क्या पूरा मामला? ये बीती रात थाना नरोरा पुलिस और स्वाट टीम बुलंदशहर के संयुक्त प्रयास से एक पुलिस मुठभेड़ में 5 साथी लुटेरे जो अतरौली जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं, ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 5 तमंचे, कारतूस, 2 बाइक, 1 स्कूटी ये बरामद की गई है। उल्लेखनीय यह है कि ये एक नया साथी गैंग है जिसका एक सदस्य प्रशांत, इसके विरुद्ध 2016 और उसके पहले भी लूटपाट के मुकदमे रहे हैं, शेष नए हैं, इनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। और 15-10-20 को सबसे पहले इन्होंने हमारे जनपद के डिवाई थाना क्षेत्र में एक लूट की वारदात की थी। एक स्वर्ण व्यवसायी जो अपनी दुकान हनुमानगंज से ताला बंद करके शाम के समय अपने घर जा रहा था, रास्ते में उसका थैला डिवाई थाना क्षेत्र में इन्होंने छीन लिया था, जिसमें लगभग 350 ग्राम चांदी का सामान था। इनके कब्जे से वो रिकवरी की गई है। इसके साथ ही इन्होंने अतरौली थाना क्षेत्र में 10 किलोग्राम चांदी की लूट 28-10 को की थी। उस भी अभियोग का अनावरण हमारी पुलिस के सहयोग से हुआ है, जिस संबंध में अतरौली पुलिस कार्रवाई कर रही है। तीसरा जो अभी तत्कालिक केस है, 20 दिसंबर को इन लोगों ने बेलौन चौराहे के पास आगे एक स्वर्णकार जो अपनी मोटरसाइकिल पर अपना थैला रख करके सामने पान खाने की दुकान पर गया था, उसका थैला लेके भागा। लोगों द्वारा दौड़ाए जाने पर थैला फेंक कर भाग गए थे। उसके बाद लगातार हमारी टीमें इनके बारे में सूचना संकलन कर रही थी। उसी क्रम में इन 5 को बीती रात एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। सर कुछ आपराधिक इतिहास पता चला इनका? हाँ, इनमें से एक है प्रशांत, उसका आपराधिक इतिहास अच्छा है। 7 मुकदमे उसके विरुद्ध हैं, शेष सारे अभियुक्तों के विरुद्ध एक जो घटनाएँ अभी हुई हैं ये मुकदमे हैं, जिसमें अतरौली की लूट और हमारे यहाँ डिबाई थाना क्षेत्र की लूट और नरौरा थाना क्षेत्र में लूट का प्रयास, ये 3 मुकदमे सभी पे हैं। इसके अतिरिक्त प्रशांत के विरुद्ध पुराने मुकदमे 2016 के 4-5 की संख्या में है। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।